अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। मरहूम अर्तुरुल के ना अहल सिपाही भी अब जा चुके हैं। शुक्र है खुदा का कि अब हमारे कबीले में कोई बुराई मौजूद नहीं। वो कहीं नहीं गया एतोलन, हमारे कयाम के खत्म होते ही वो वापस आ जाएंगे। जो सुना है वो सच हुआ अगर, और मेरे भाई ने वाकई ओहदे की ताबेदारी को कबूल किया है तो उसकी गर्दन उड़ाऊंगा मैं। क्या कोई तशवीश की बात है अर्तुक? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बच्चे की जान को तो खतरा है ही, इसके साथ साथ माँ को भी खतरा है। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे सिपाहियों को मुख्तलिफ इल्जामात की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। मैं चाहता हूं कि जिरगा दोबारा बैठे और जायजा ले इल्जामात का। देखा तुमने, ये तो अर्तुरुल भाई हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, अर्तुरुल भाई हैं। या तेरा शुक्र है तूने इन्हें वापस भेज दिया। देखा तुमने, सुलेमान शाह का फर्जंद अर्तुरुल वापस आ गया है। उम्मीद की किरण आ गई, हमारा मसीहा आ गया। खुश आमदीद अर्तुरुल भाई, खुश आमदीद। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। किसी भी मकाम पर पहुंच जाएं, हम दोनों मिलकर अपने बेटे की परवरिश करेंगे ना अर्तुरुल। तकदीर अल्लाह को मालूम है, मैं नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन जब तक ये जिंदगी है मैं तुम्हें और अपनी औलाद को कभी किसी किस्म का कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। हलीमा सुल्तान, चलो उठ जाओ। मैं उम्मीद से हूं अर्तुरुल, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। बाबा बनने वाला हूं मैं, बाबा। मैं आ गया हूं तुम्हें हर दुख से बचाने के लिए, चलो उठ जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं अर्तुरुल भाई? आ जाए अर्तुक भाई। आप आ गए हैं तो ये भी जल्द अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह।
शुक्र है अल्लाह का, तंदुरुस्त देखकर खुशी हुई। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे सुलेमान शाह खड़े हों नजरों के सामने। कैसी है बड़ी मसलता? सूरत हाल मुश्किल है। अब तक काफी हिम्मत से काम लिया, लेकिन मामला अब यह है कि हम बच्चे को खो देंगे या दोनों को। मेरे बच्चे, मुझे दिली दमीर से मिलना है वालिदा। जरूर। अर्तुरुल, मामू ने दुम्बे की कुर्बानी की है तुम्हारी वापसी पर। नौयान का सर कलम होने से पहले किसी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं भाई। लेकिन बेटा संभालो खुद को। तुम्हें क्या लगता है वो अपना मकसद हासिल कर लेगा, क्योंकि उसने जिरगा बुलाने की दरखास्त की है। आखिर वो होता कौन है जिसकी हर बात तस्लीम की जाए? हमने खाना खिलाया जो वो भूख से मर रहे थे, उनको अपने दिलों में जगा दी। उन्होंने हमारे सारे एहसानात भुला डाले बाबा। अब वो हमसे ये पूछेगा कि हमने उसके सिपाहियों को क्यों कबीला बदर किया। देखो बेटा, इतना गुस्सा मुनासिब नहीं। वो फूफीजाद भाई है तुम्हारा, तुम्हें तो उसके जिंदा लौट आने पर खुश होना चाहिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है बाबा, बदला लेकर रहूंगा मैं इस बात का। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। भाई का खून करोगे? अगर मेरी ताबेदारी ना की तो हां। सरदार, आप इजाजत दें तो मुझे कुछ कहना है। तूतकिन बिल्कुल ठीक कह रहा है, सांप का सर उठने से पहले ही कुचल देना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो आपको डस ना ले। अगर हर मसले पर गुस्सा करोगे इसी तरह तो पछतावा ही मिलेगा और कुछ भी नहीं। मुझे क्या करना है? दोनों कबीले एक हो चुके हैं, अब हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। उसको जिरके में बुलाएंगे हम, लेकिन ना तो काई कबीले के सरदार और ना ही हम उसे मुंतखब करेंगे। क्यों कर मुमकिन है ये खातून? अर्तुरुल की कमजोरी को ढूंढना होगा हमें। दमीर भाई,
या अल्लाह, जो आवाज मुझे सुनाई दी वो उसी की हो। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र, मेरे बच्चे ये जानवर कुर्बान करना, हमारे लोगों में खाना तकसीम करना अर्तुरुल के एजाज में किया जा रहा है या फिर उसको कायल करने की एक काविश है? अर्तुरुल के मुस्तकबिल के बारे में फैसला हो चुका है। अब से सिपाहियों की कमान तूतकिन के पास ही होगी। जानती हूं कि आप अपने भाई से कितना प्यार करते हैं और आपके लिए कबीले और प्यार के माबेन फौकियत कबीले की है। अर्तुरुल को इस तरह जाया ना कीजिए गुंदोक्तु, क्योंकि वालिदा और आपका फैसला कल तक तो सही था लेकिन अर्तुरुल अब आ चुका है। अगर आप और वालिदा अपने फैसले से पीछे ना हटे तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं और वालिदा जानते हैं कि हम दोनों को क्या करना है। तुम इन मामला से दूरी रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या आपने कभी ये देखा है कि अर्तुरुल ने हार मानी हो? अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा हो उसने कभी, और खास तौर से वो जिम्मेदारियां जो बाबा की तरफ से उसे दी गई? हलब जाने से मना किया लेकिन गए, अनातोलिया आने से रोका लेकिन किसी ने नहीं सुने। इन सबको ये समझना होगा कि इनके फैसले गलत थे, समझना होगा ये, वरना गुंदोगदू को पता है कि कैसे समझाना है। या अल्लाह मदद फरमा हमारी। मेरे बच्चे और मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, मेरी औलाद को गुमराह होने से बचा, हम पे अपना करम फरमा, मदद फरमा ताकि हम इस अंधेरे से निकल सकें जिसमें बुरी तरह फंस गए हैं। अर्तुरुल और उसके जाबाजों पर हर वक्त नजर रखनी होगी तुम्हें। और काई कबीले के बाकी सिपाही, उन्हें अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश करो और आपस में ही तकसीम कर दो। समझ गए? अच्छी तरह समझ गया मैं। हम उनके इत्तेहाद को निफाक में बदल देंगे। मामू ने इशाया रखा है तुम्हारे एहसास में।
हलीमा के पास रहूंगा मैं। मैं चाहता हूं कि जब आंखें खोले तो मुझे देखे। बेटा क्या तुम मुझसे नाराज हो कि बाबा की तरफ से दी गई जिम्मेदारी मैंने तूतकिन के हवाले कर दी? क्या तुम मुझे कसूरवार समझते हो उस बात का? आपके नजदीक मैं मर चुका था, तो ऐसी सूरत हाल में आपका फैसला ठीक था बिल्कुल। लेकिन मैं कबीले में वापस आ गया हूं तो सूरत हाल अब मुख्तलिफ है। मैं नहीं था तो आपके इस फैसले का इतलाक मुझ पर नहीं होता। मैं जानता हूं मामू जान ने जो एहसान किए उनकी वजह से उनके खिलाफ जाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक तरीका है जिससे आप दोनों पर किए गए फैसले का बोझ कम हो जाएगा। क्या सोचा है तुमने? हाँ, मेरा ख्याल है दोनों कबाइल के सरदारों पर फैसला छोड़ देना चाहिए। जिरगा होगा तो उनके सामने हकायक रखूंगा ताकि सब जान लें कि क्या हुआ था, और यह भी बताऊंगा कि कैसे अपने दुश्मन को शिकस्त फाश दे सकते हैं। फिर सरदार अपनी तकदीर के फैसले के खुद जिम्मेदार होंगे। तैयार है, अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए मुझे। कुछ नहीं चाहिए। अर्तुरल वापस आ गया है, आज से ये लोग दाएं तरफ रहेंगे और बाएं तरफ तुम मेरे साथ रहोगी तुम्हारी शादी होने तक। कौन करेगा मुझसे शादी? क्या मतलब, क्या कमी है तुम्हें? सब कुछ तो मालूम है आपको। क्या मालूम है? जब मुझ पर हमला हुआ था। कोई भी ये बात नहीं जानता कि तुम साहिब औलाद हो सकती हो या नहीं। मायूस नहीं होना चाहिए तुम्हें। इस शक के साथ कौन मुझसे शादी करेगा वालिदा? मेरी प्यारी बेटी, जल्द तुम्हें एक मोहब्बत करने वाला इसी महरूमी के साथ अपनाएगा इंशाल्लाह। तुमने अपनी तरह एक जंगजू औरत से शादी की है। अगर तुम दुश्मनी चाहते हो हमसे तो याद रखना कि जल्द या बदेर उनको भी इस जंग का हिस्सा बनकर कुर्बान होना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा पूरा खानदान। कल दूसरे हाथ की बारी, उसके बाद तुम्हारे पैर और फिर बिलाखिर अपने हाथों से मैं तुम्हारी आंख में फोड़ डालूंगा, और जब तक मेरा हुक्म नहीं मानोगे ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं लौट आया हूं अलीमा सुल्तान, तुम्हारे पास। आप गए कब थे? हमेशा मेरे पास थे। अपने बच्चे को औरतों में छोड़कर कैसे जाता मैं?
अर्तुरुल ने हमारे दिए गए इशाइये में आने की जहमत भी गवारा नहीं की। दोबारा चरका बुलाने का मतलब क्या है? हमारे सरदारों के फैसलों पर यह बेएतमादी क्यों? जिरगे की दरख्वास्त अर्तुरुल ने की थी, जो सरदारों ने कबूल कर ली। बेहतर होगा यह सवाल तुम सरदारों से करो, मुझसे नहीं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह शुक्र है तेरा, बेशक तू ही शिफा देने वाला है। हम पर तू कितना करम करता है, तेरा बहुत शुक्र है मेरे मालिक। अपने घर में खुश आमदीद बेटा, तुम्हारी वापसी बाई से मुसर्रत है, अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया मामू जान, आपने अपनाया हमें, ख्याल रखा हम लोगों का। काई कबीला इस मेहरबानी को फरामोश नहीं करेगा। ये तो दो दुर्गा कबीले की रिवायत है अर्तुरुल भाई, हम गले से लगाते हैं, दस्तरखान पर बिठाते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं। अपनाए रखो ये रिवायत, वरना तुम्हारे जैसे मनसब के हामिल लोगों को अपना दस्तरखान बांटने की तौफीक अता नहीं होती। लड़कियों, भुना हुआ दुम्बा लेकर आओ ताकि खाना शुरू किया जाए। सरदार अर्तुरुल और हलीमा सुल्तान आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं। तू तकिन, तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन अर्तुरुल के मुकाबले में आने के लिए तुम्हें एक लंबा सफर करना है, समझ लो। ऐ साजिंदो, इन तारों से कोई ऐसा सुर छेड़ो कि यादें ताजा हो जाएं। जैसा आपका हुक्म सरदार। Sefer düştü Gürcistan'a, bizim ile gelen gelsin. Mert gelsin, mert gelmesin, kanlı çaydan geçen gelsin. Zafer düştü şu Moğol'a, bizim ile gelen gelsin. Mert gelsin, mert gelmesin, kanlı çaydan geçen gelsin. Mert gelsin, mert gelmesin, kanlı çaydan geçen gelsin. Ecel gömleğin özüne, kendiyle biçen gelsin. Dinleyin yiğit sözünü, çekerim güzel nazını. Gürcistan'ın has kızını, derkin alıp kaçan gelsin. Gürcistan'ın has kızını, derkin alıp kaçan gelsin. Thank you.
अगर गेकली ना होता तो मैं उन दरिंदों से ना बच पाता। कौन है गेकली? बैरबुजक तुर्क है वो शख्स। मैदान, पहाड़ और जंगलों में बसेरा होता है उसका। मैं खोल देती हूँ, लाइए। आज अगर मैं वापस आया हूं तो इसकी वजह एक ही है और वो हो तुम। एक बार जी भर के देखना था तुम्हें और एक बार आवाज सुननी थी तुम्हारी। अगर मेरी रूह ने मेरे जिस्म का साथ ना छोड़ा तो वो सिर्फ इसलिए कि मैं जानती थी कि आप हया थे अर्तुरुल। अर्तुरुल? अर्तुरुल? किसी को मत बताना इस बारे में। ये क्या किया उन जालिमों ने आपके साथ? आप तलवार कैसे पकड़ेंगे इस हाथ से? आप तलवार पकड़ने के लिए जज्बा चाहिए होता है। अर्तुरुल को इस नई सूरत हाल को कबूल करना होगा वालिदा, और सिर्फ आप ही उसे समझा सकती हैं, वरना दोनों कबीले मुत्तहिद नहीं रह सकेंगे। क्या समझाऊं? अर्तुरुल का गुस्सा उसकी आंखों में देखा है मैंने वालिदा। बज़ाहिर मुस्कुराता है लेकिन उसके दिल में एक तूफान है, एक बहुत ही तबाहकुन तूफान। नोयान जब तक जिंदा है वह सुकून से नहीं बैठेगा। पेट्रिशियो की तरह और टाइटस की तरह वो नोयान का पीछा करेगा। उस बार तो हमने फतह हासिल कर ली थी लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। इतने दुखों के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद हम किसी नई आजमाइश के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें उसके आने की खुशी मनानी चाहिए अभी। जख्मी हाथ के साथ कहां जाएंगे अर्तुरुल? आर्तुक भाई इलाज करेंगे मेरा, इंतजार कर रहे होंगे, जल्द वापस आ जाऊंगा। जानती हूँ आप इंतकाम लेने के खातिर अपनी जिम्मेदारियां वापस लेना चाहते हैं। हर बार जब भी आप महाज पर जाते हैं मैं आपको अलविदा कहने के साथ दुआ को होती हूँ कि शहादत नसीब हो। लेकिन मुख्तलिफ है हालात इस दफा अर्तुरुल। क्या मुख्तलिफ है अली मसूदान? हाथ को देखिए, आप इस हाथ से चमचा भी नहीं पकड़ सकते।
तलवार पकड़ना तो बहुत दूर की बात है अर्थुरल। मैं जानता हूं तुम ये क्यों कह रही हो, मालूम है मुझे। नाराज नहीं होगा, ना कोई सख्त बात कहूंगा। अपने बच्चे पर उसके बाप का साया चाहिए तुम्हें, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर या हमारे बच्चे का वालिद नहीं, कबीले की फौज का सरदार भी हूं। इसके बच्चों की हिफाजत मेरे जिम्मे है और वालिदा के नाम के आबरू की भी। एक बार जिम्मेदारी नहीं निभाई तो कितनी जानें चली गईं। ये जगह हमारी नहीं है हलीमा, पनाहगुजीनों की तरह रह रहे हैं हम यहां। सर्द मौसम गुजरने दें, आप भी बेहतर हो जाएंगे उसके बाद। उसके बाद कुछ नहीं हलीमा सुल्तान, हर दिन हर लम्हा कीमती है, मौसम का इंतजार कैसे करूं। अगर आज खामोश बैठा रहा मैं तो पहले से ज्यादा खूरेजी होगी। हमें हर सूरत में नौयान को मारना होगा। कोचाबाश गुंदोगदू का इतिमाद जीतने में कामयाब हो गया। कोचाबाश ने अकलमंदी से काम लिया। बोकलू को तो वैसे भी मारना ही था हमें। और भी खबरें हैं। वो क्या? गुमुस्तकिन और उसकी बेटी गोंजकुल कोनिया से अलाउद्दीन से मुलाकात के बाद वापस लौट रहे हैं। वो जल्द ही कबीले में पहुंच जाएंगे। तूतकिन और गुंदोगदू उनसे मुलाकात करने के लिए हारपुर जाएंगे। यानी वो खुद हमारे जाल में फंस जाएंगे। अर्तुरुल, उसका क्या होगा? अगर जिरगे ने फैसला अर्तुरुल के खिलाफ दे दिया तो हमें कुछ भी करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो भी दूसरे तुर्कों की तरह लड़मर के खत्म हो जाएंगे। तुम यहां मेरे मेहमान खाने में खुश आमदीद मुहाफिज हमजा। जरा देखो तो इन्हें। किस बात पर ये लोग दांत निकाल रहे हैं? मैं देखता हूं इन्हें जाकर। अब्दुल रहमान वापस जाओ। कोई भी मुसीबत नहीं चाहते अर्तुरुल भाई जिरगे से पहले। जिरगे के फैसले के बाद अर्तुरुल भाई के साथ मिलकर तुम क्या करोगे? हाँ दुआ बताते क्यों नहीं, क्या करोगे? जानवर चराएंगे ये सारे मिलकर, और क्या। दुआ
भाइयों, बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। अभी बताता हूं तुम्हें, हमारे हवाले करो इसे तुम। ऐसा सोचना भी नहीं। तुम तक इनके सिपाही अब अपनी बहादुरी छोटे से बच्चे को दिखाएंगे। हम तो अर्तुरल भाई के बच्चों की तरबियत करने की कोशिश कर रहे हैं तमीर साहब। सांप की औलाद, कुचल कर रख दूंगा तुम्हारा सिर। दुर्गुत, हर भौंकने वाले का जवाब नहीं दिया जाता। हमें अभी सब्र से काम लेना है। चलो वापस जाओ। चलो। ये बच्चा कौन है? ये मासूम बच्चा शहीद सिपाही उर्दू का बेटा है, तुराली। खानदान के सब लोगों के मरने के बाद ये कुवते गोयाई से महरूम हो गया। तुराली, मैं इसकी तरबियत करके एक बहादुर जंगजू बना दूंगा। अर्तुरुल कहां है? आर्तुक भाई से मिलने गए हैं अपना हाथ दिखाने के लिए। खामोश रहना है जब तक जिरके का फैसला ना हो जाए। अपने गुस्से को काबू में रखना। कब तक ठीक हो जाएगा ये? मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा अर्तुरुल। खदशा है कि दोबारा तुम इस हाथ से तलवार नहीं उठा सकोगे। लेकिन गेखली की महारत को सलाम है। माज़अल्लाह, इस हाथ को काटने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। शुक्र है अल्लाह का कि दो हाथ दिए। दाएं हाथ से भी लड़ सकता हूं और न लड़ पाया तो अपने दांतों से उस मलून का दिल चीर कर निकालूंगा। ये मरहम रोजाना रात को अपने हाथ पर लगवा लीजिएगा और फिर साफ कपड़े की पट्टी बांध दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकता हूं दोबारा? दिल तुम्हारी तरफदारी करता है अर्तुरुल, लेकिन मुझ पर हर सूरत अपने सरदार के फैसले की पाबंदी भी लाजिम है। मुझे नहीं मालूम कि कल जिरगे में क्या फैसला होगा। महारत पर मुनहसिर है
कि कल जिरगे में तुम्हारे अल्फाज का चुनाव कैसा होगा। दूसरे सरदार भी काफी उलझनों का शिकार हैं। कोरकुत साहब ने आपको बुलाया है अर्तुरुल भाई? अर्तुरुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वापस लौट आए तुम। शुक्रिया आयतुलन खातून। अपने बच्चे की खुशियां देखना नसीब हो तुम्हें। अल्लाह हमेशा हिफाजत करे तुम्हारी औलाद की। तुम्हारी गैर मौजूदगी में हलीमा सुल्तान ने बहुत तकलीफें उठाई। तुम्हें भी कुछ दिन आराम करना चाहिए। तूतिकिन तुम्हारी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की कोशिश करेगा और तुम भी हलीमा सुल्तान को ऐसे वक्त में पूरी तवज्जो दे सकोगे। जब तक मंगोल यहाँ आएंगे तुम्हारा बच्चा दुनिया में आ चुका होगा, तुम्हारे साथ होगा। खैर, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको भी औलाद से नवाजे। अर्तुरुल सिपाहियों की कमान हासिल करने के मामले से पीछे नहीं हटेगा और सरदार भी हटाना नहीं चाहते उसको, तो फिर एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। जो भी फैसला होगा वो जिरगा करेगा, मगर आपका फैसला क्या है? जिरगे का फैसला आने के बाद अपने शौहर से होशियार रहना हलीमा सुल्तान। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आकर हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दे। जो सिपाही अपनी तलवार तक ना संभाल सके, पूरी फौज की कमान कैसे संभालेगा वो? ऐसा कैसे हो सकता है? तलवार नहीं संभाल सकती बहुत। ये क्या कह रहे हो तू? लेकिन क्या वाकई तुमने अपनी आंखों से देखा है? ये सवाल मुझसे नहीं, आर्तुक भाई से पूछे आप।